नमस्कार जी गुड इवनिंग आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में जो यूट्यूब पे मैं पहली बार लेने वाला हूं और इस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेटिस्टिक्स और काफी सारी चीजें इस चैप्टर में आप और हम मिलकर पढ़ने वाले हैं तो आज कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर फिनिश हो अगर आज फिनिश नहीं होता है तो हम इसकी एक और क्लास ले लेंगे एक दो क्लास में भी नहीं होगा तो तीन क्लास लेंगे लेकिन मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि हर प्रकार का हर टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा है है ना तो बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं माध्य होता है, बहुलक माध्यिका विचरण परिसर मानक विचलन माध्य विचलन इसके अलावा और भी कुछ चीजें होती है इंग्लिश में भी मैं आपको पूरा बताऊंगा यहां पे केवल हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन हम हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे और आप आगे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें चाहे एस हो चाहे स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो रेलवे में तो हमेशा पूछा ही जाता है एस के सीजीएल में इस बार सिलेबस में ऐड हो गया है पटवारी हो सब इंस्पेक्टर हो पुलिस के कोई एग्जाम्स हो सब में इसके क्वेश्चंस आते हैं और इसको स्टूडेंट टफ क्यों मानते हैं उसके पीछे छोटा सा कारण है क्योंकि इसको हम पढ़ते नहीं है अगर आप इसको पढ़ लो आप इसको थोड़ा सा समझ लो तो आपको ये बहुत इजी लगेगा और हर टाइप का क्वेश्चन आपसे बनेगा और अगर मैं तो इतना बोलता हूं कि अगर आपने अपनी इन क्लासेस को आपने रेगुलर दो क्लासेस तीन क्लासेस जितनी भी क्लासेस होती हैं आपने अगर इन सारी क्लासेस को ले लिया आपसे हर टाइप का क्वेश्चन बनेगा और सिर्फ एक बार आप पूरा पढ़िए एक बार पूरा रिविजन करिए और उसके बाद आप प्रश्न लगा के देखिएगा आपसे बहुत अच्छे से चीजें बनने लगेंगी है ना ये तो आपको पता ही है कि कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो पूरा बेसिक से फुल एडवांस लेवल तक पढ़ते हैं सारी चीजें उसमें कवर करते हैं तो एक एक टर्म एक एक चीज को हम एकदम बेसिक से समझेंगे बहुत शानदार तरीके से सारी चीजों को सीखेंगे ठीक है सब लोग तैयार हैं तो एक बार जरा लाइक्स की संख्या में वृद्धि की जाए अगर चाहें तो आप दूसरे लोगों को भी बुला सकते हो शेयर ठोक सकते हो और कमेंट करने की तो जरूरत ही नहीं है उसके लिए तो बोलना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी कमेंट कर सकते हो ठीक है बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और अभी थोड़ा सा त्योहार का भी माहौल चल रहा है।, है ना अभी थोड़ी दीपावली दशहरा अभी दशहरे से आप फ्री हुए अब दीपावली आ गई तो वैसे रेगुलर क्लासेस का मैंने आपसे कहा था पर आप लोगों के पास टाइम ही नहीं था ज्यादा पढ़ने का तो फिर हमने उसको स्पेशल सेशंस में कन्वर्ट किया है लेकिन हाँ दिवाली के बाद बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स में लेकर आऊंगा और सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से यूट्यूब पर भी कंटिन्यू अपन लोग पढ़ने वाले मुलाकात होती रहेगी चलो तैयार सब लोग आ जाओ तो देखो आपको सबसे पहले बता देता हूं मैं अगर आपने विनर्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम पे जाइए द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करिए ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हर क्लास की पीडीएफ क्लास के एंड होते ही आपको यहाँ पे मिल जाती है आज हम जितनी भी चीजें पढ़ने वाले हैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे क्लास के खत्म होते ही मिल जाएगी तो यहां से आप डाउनलोड याद से कर लेना और विनर्स के आठ यूट्यूब चैनल उम्मीद है आप सबसे जुड़ गए होंगे ये मेरी मैथ्स की स्पेशल चैनल है अगर आप में से कोई भी नया है और आप मुझसे मैथ्स के दूसरे चैप्टर्स पढ़ना चाहते हो यह आपको किसी भी चैप्टर से डर लगता है और आपको लगता है कि ये चैप्टर तो कोई मुझे सिखा ही नहीं सकता या ये चैप्टर तुम्हें इस जन्म में सीख ही नहीं पाऊंगा आप इस चैनल पे जाइए उस चैप्टर को एक बार पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद आप बोलोगे कि अब मैं कोई भी चैप्टर सीख सकता हूं तो मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं और वैसे भी यूट्यूब पे आप अगर किसी चैप्टर का नाम लिखोगे और उसके आगे आप मेरा नाम लिख देंगे आदित्य पटेल तो आपको मेरे वीडियोज मिल जाएंगे कोई भी चैप्टर पढ़ के देख लो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बाकी अपनी मोटिवेशनल की चैनल है एमपीपीएससी बैंकसी की अलग से चैनल है राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए हमने नई चैनल लॉन्च करी है और अभी बहुत सारी क्लासेस हम आप लोग के लिए भी लेकर आने वाले हैं ठीक है देखिए मैं आपको सारी चीजें वन बाय वन यहां पर सिखाऊंगा क्योंकि सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है जैसे ये है तो चलो ठीक है माध्य आदि का बहुल और रेंज इसको परिसर भी बोलते हैं पहले हम इन चार चीजों को सीखेंगे इनके क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को आपने आज तक किसी ने भी टाइप वाइज नहीं पढ़ाया है मैं आपको इसको टाइप वाइज पढ़ाऊंगा तो टाइप वाइज पढ़ेंगे एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे है ना इसके बाद वेरियांस पढ़ेंगे मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है ये डीन नहीं है मीन आ, मीन डेविएशन है प्रसरण गुणांग कोफिशंट ऑफ वेरियांस ये चारों चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो पहले हम इन चार को अच्छे से सीखेंगे इसमें से बस एक चीज आपको सीखनी है वो है इंपॉर्टेंट वेरियां अगर ये सीख लिया तो बाकी चीजें आपके लिए यू हो जाएंगी सिर्फ दिखने के ये टर्म्स हैं सिर्फ आपको ऐसा सुन के भारी भारी लगेंगे लेकिन आप एक बार सीखोगे तो आप कहोगे कि इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता बहुत शानदार चैप्टर है और आपसे जितने प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे सब आपसे बनेगा ठीक है तो आइए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहली चीज मीन के साथ और जब आप अभी मीन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं बहुत आनंद आएगा आपको देखिए आप यहां पे एक बार इसको पढ़ लीजिए मैं आपको फिर आसान भाषा में बताऊंगा आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट ले लें साइड हो रहा हूं एक बार आप इसको अच्छे से बस पढ़ लो फिर मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है माध्य औसत के लिए एक दूसरा शब्द है माध्य ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं को एक साथ जोड़ें और दी गई संख्याओं को विभाजित करें इसे एक्स के ऊपर इस तरीके से अगर बार लगा दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है माध्य यानी मीन ठीक है तो आज के बाद कभी माध्य या मीन दिखे तो आप तो यह समझ लो सिंपल सी बात है कि आपको भैया औसत बताना है आपको एवरेज बताना है अब आपके लिए शायद एवरेज तो कोई नई चीज नहीं है औसत तो आप सब लोग जानते हो समस्त आंकड़ों का योग बटे समस्त आंकड़ों की संख्या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है भाई मैं कहूंगा कि पांच छ और सात का औसत बताओ तो आपको पता है कि सबको जोड़ दो और तीन से डिवाइड कर दो ये इनका माध्य आ गया यही इनका एवरेज है यही इनका मीन है तो एवरेज आप याद रखिए माध्य मतलब कुछ नहीं होता है एवरेज होता है इसके अंदर तीन पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में तीनों टाइप को हम वन बाय वन सीखते हैं तीन नहीं बल्कि चार कहूंगा मैं तो ये है हमारा सबसे पहला टाइप नंबर वन टाइप नंबर वन माध्य ज्ञात करना है और इसके लिए आपने शायद यहां पे लिखा नहीं होगा आगे एक फॉर्मूला यूज आ, आ, होगा कि माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एफ इंटू एक्स और सम ऑफ एफ इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ये आपके हो जाएंगे ऑब्जर्वेशन यानी उनका मल्टीप्लीकेशन करोगे ये सिग्मा है यानी योग है आगे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा फिलहाल आपको क्या करना है इन सबको जोड़ना है और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स से डिवाइड करना है एंड यू विल गेट योर आंसर जल्दी से करिए इसमें मेरे लायक कुछ भी काम नहीं है आराम से आप चीजों के आंसर दे सकते हो फटाफट आंसर बताओ क्या आएगा भाई फुल स्क्रीन कर लो मैं कोई ज्यादा बातें नहीं करूंगा आपसे पढ़ने आए हो आप पढ़ाई करो बात करने आए हो तो कभी और बात करेंगे है ना अभी आप पढ़ने में ध्यान लगाएं पढ़ने में मन लगाएं मैं आपके कोई कमेंट्स के जवाब नहीं देने वाला हूं ठीक है पढ़ो बस मजेदार तरीके से ठीक है सीरियसली अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं अपनी लाइफ में तो फिर आपको कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी शायद मुझे बिल्कुल और जिन्होंने सेशन पे लाइक के बटन को नहीं दबाया है ठोक दो उसको, वन ट्वेंटी आंसर आ रहा है वेरी गुड अगर आप सबको जोड़ते हो तो देखो ये दोनों ही जुड़ के तीन हो गए थ्री है ना और अगर अगर ये 400, 500, 600 इसके बाद ये हो गया आपका कितना 720 इन सबको टोटल करने पे 720 आ रहा है तो टोटल सभी आंकड़ों का योग 720 है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन टोटल ऑब्जर्वेशन टोटल आंकड़े कितने हैं छे तो इनका एवरेज 120 आ जाएगा बस यही आपका आंसर है अगर कोई परीक्षा में आपसे बोल दे कि एवरेज बताओ तो कोई भी बता दे लेकिन माध्य देख के कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं हमने तो ये तो पढ़ा ही नहीं माध्यक माध्यिका माध्य क्या होता है कुछ नहीं है एवरेज निकालना है अगला सवाल ट्वेंटी एट ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी टू इलेवन थर्टीन इलेवन थर्टीन और एक्स इन सब का माध्य ट्वेंटी है तो आपको बताना है ये वाला आंकड़ा कौन सा होगा यह एक्स जो मिसिंग नंबर है यह कौन सा होगा यह आप सभी को बताना है क्लियर कोनो दिक्कत चलो भैया सबको आप अगर जोड़ दोगे देखो हम क्या करते हैं हम सबको प्लस कर देंगे सबका योग ले लेंगे तो जो भी सब का सम आएगा योग आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स से डिवाइड करेंगे तब जाके हमें उनका मीन उनका माध्य क्या मिला होगा बीस तो अगर इन सब का जो योग आएगा उसमें छह का भाग दिया होगा तभी बीस आया होगा तो क्या हम बीस का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं यानी टोटल आ जाएगा वन ट्वेंटी अब आप इन सबको प्लस करिए और बताइए एक्स की वैल्यू क्या आएगी वन ट्वेंटी में से माइनस कर देना कमेंट में मुझे ट्वेंटी जैसे कुछ दिखाई दे रहे हैं वेरी <coughs> गुड अगर आप इन्हें जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा आपका पचास और तीन चार और यह हो जाएगा पचास अरे वाह इनका टोटल आ गया हंड्रेड एक समय नहीं पता तो एक्स की वैल्यू ट्वेंटी आ जाएगी दिस इज योर आंसर ऑप्शन ए ए इज द राइट आंसर समझ में आ गया होगा सभी को <coughs> आसान है ये वाला कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़िए भैया ये है माध्य का टाइप नंबर अभी आप अच्छे से पढ़ लो और आप एक बार पढ़ने के बाद अच्छे से नोट्स बना लेना आज एक दिन में चैप्टर शायद ही हो पाएगा मैं कल फिर आठ बजे मिलूंगा कल नहीं खत्म होगा तो परसों फिर आठ बजे मिलूंगा दो क्लासेस या तीन क्लासेस में इसको करूंगा आप एक बार नोट्स बना लेना एक बार पूरा पढ़ने के बाद एक बार फिर से रिवीजन कर लेना आप बोलोगे कि अब सांख्यिकी का कोई क्वेश्चन ही जाए परीक्षा में बनेगा हमसे गारंटी है मेरी क्योंकि जो टाइप वाइज पढ़ाना चाहिए वो कहीं आपको नहीं मिलेगा है ना मैं ऐप पर पढ़ाता था वही सारी चीजें मैं आपको जो है इस चैप्टर में दे रहा हूं यूट्यूब पर फायदा उठा सको तो उठा लो देखो भैया <coughs> मैंने आपसे कहा माध्य का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एफ एक्स अपॉन में सम ऑफ एफ और मैं एक चीज और बता दूं कि इस चैप्टर में फॉर्मूले जरूर हैं लेकिन फॉर्मूले कुछ तो ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे जैसे ये वाला है इसको देखने की जरूरत नहीं है है ना भाई तीन है बारह है इनका मल्टीप्लाई एक और चौबीस मल्टीप्ला है मल्टीप्लाई दो है ग्यारह है मल्टीप्लाई जीरो और नौ है मल्टीप्लाई चार और उनतीस मल्टीप्ला है मल्टीप्लाई पांच और पंद्रह है मल्टीप्लाई है, है ना ये एक्स है ये एफ है और कभी भी आप ये सिग्मा देखें इसका मतलब इंग्लिश में होता है सम और हिंदी में होता है योग यानी आपको एफ और एक्स का मल्टीप्लाई सब में करना है सबका योग करना है और उसको डिवाइड किससे करना है उसको डिवाइड नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी से आपको भाग दे देना है ये हमेशा ध्यान रखना इसकी चिंता मत करना देखो 12 का तीन गुना कितना हो गया जी 36 सिक्स एक का चौबीस में गुणा करोगे ट्वेंटी फोर दो का ग्यारह में करोगे तो कितना आ जाएगा ट्वेंटी टू नाइन और जीरो जीरो होएगा ट्वेंटी नाइन का चार गुना करोगे एक सौ सोलह आएगा क्या <coughs> है ना और पंद्रह का पांच गुना आ जाएगा सेवेंटी फाइव जल्दी से इनका टोटल करिए इनका टोटल करिए फिर साथ ही साथ इनका भी टोटल कर दो और डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा बताओ 2.73 की आंसर्स की बारिश ऑप्शन में दिखाई दे रही है <coughs> बहुत बढ़िया बहुत तेज हो तुम लोग 12, 24, 36 है ना 36 और 11, 9, 20 यानी हो गया आपका 56, 56 में दो तीन चार 44, 100 है ना देखो ये आ गया और इनका टोटल क्या आ रहा है तीन दो पांच छह दो आठ सात पंद्रह और ये और 116 ठीक है टोटल 273 आ रहा है क्या इनका टोटल 273 आ रहा है क्या और फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी इन सब का आप टोटल कर रहे हो तो शायद 100 आ रहा होगा है ना तो 100 से आपने डिवाइड कर दिया एंड द आंसर इज 2.73 2.73 ऑप्शन बी इज द आंसर यही आया ठीक है इनका आपने मल्टीप्लाई करा जिसको मैंने यहां लिखा इनका टोटल आया 273 और अगर आप टोटल फ्रीक्वेंसीज को लेते हो इन सब का टोटल करते हो तो इन सब का टोटल आएगा 100 तो 100 से आपने डिवाइड करा आंसर इस 2.73 किसी सज्जन को किसी देवी को कोई तकलीफ हो तो बताओ अच्छा क्वेश्चन में सौ दिया है क्या अच्छा हाँ यार सौ मैंने तो देखा ही नहीं ऊपर सौ दिया है और अच्छी बात है यहां पे आपको सौ स्टेशनों के क्लर्क की संख्या पहले से दे दी थी तो आपको मेहनत करनी नहीं थी अगला इसका आंसर आप बता देंगे वन इंटू फाइव फाइव इंटू सेवन टेन इंटू टेन फिफ्टीन इंटू सिक्स ट्वेंटी इंटू सिक्सटीन जल्दी से टोटल करिए और टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करिए वन इंटू फाइव 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 इंटू सेवन थर्टी फाइव टेन इंटू टेन हंड्रेड फिफ्टीन सिक्सा नाइनटी पंद्रह इंटू छे सोलह दुनी बत्तीस थ्री ट्वेंटी इनका टोटल करो भैया सात और पांच बारह और अठारह और ये हो गया 34 और दस हो गया फोर्टी फोर फोर्टी फोर आ जाएगा इनका टोटल टोटल फ्रीक्वेंसी ये वही है सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ इनका टोटल करके बताओ क्या आ रहा है हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बहुत सारा आशीर्वाद है कॉपी पेस्ट ना करो पढ़ो अच्छे बच्चे की तरह हेमंत कुमार तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है भाई कौन सा अंग तुम्हारा दुख रहा है जो इतना कॉपी पेस्ट कर रहे हो कुछ भी नहीं होगा उससे पढ़ो चुपचाप हाँ जी बहुत बढ़िया देखो यहां पे आप कर दोगे ये बनेगा आपका 40 40 यानी 140 140 यानी ये हो जाएगा आपका आ, 460 और 90 550 इनका टोटल आ रहा है इनका टोटल 550 और ये आ गया 44 डिवाइड कर दो भैया 11 से पांच बार 11 से चार बार 50 में चार का भाग दोगे 12.5 पॉइंट फाइव साढ़े बारह ट्वेल्व पॉइंट फाइव ऑप्शन डी इज आंसर। बताओ आया समझ में मजा आया क्लियर है बात अगला सवाल इसको कर लोगे क्या है ना ये आपका क्या है ये एक से और ये एफ है मल्टीप्लाई करना है और आपको फ्रीक्वेंसी इन सबसे डिवाइड करना है आपको होमवर्क दे दूं कर लोगे इसमें कुछ भी नया नहीं है है ना कि नया अभी आगे आएगा लेकिन ये तो आपसे आराम से बन सकता है ओके हां चलो कर लोगे अच्छी बात है इस पे आ जाओ ये अच्छा सवाल है देखो यहां पे एक्स मिसिंग है एक्स अपने को पता लगाना है कि एक्स क्या होगा इसको अपन लोग जरूर करेंगे कर लेना आंसर मुझे बता देना ठीक है एप पर क्लास कब होती है मेरी एप पर आपको मेरी क्लास मिलेगी सुबह अब डिपेंड करता है आपने कौन सा कोर्स लिया है अगर आपने पीबी व्यापम लिया है तो नौ बजे मैथ्स फाउंडेशन है तो दस बजे एसएससी लिया है तो भी दस बजे <laughs> बहुत बढ़िया विनर्स है पर विनर्स पे दीपावली का ऑफर चल रहा है धमाकेदार फायदा उठा सको तो उठा लो उसकी इंफॉर्मेशन क्लास के एंड में आपको मैं दे दूंगा अभी पढ़ते हैं उर्मिला जी सब कुछ है अच्छे से चेक करिए आप हाँ। चलो देखें देखो बात वही है इनका मल्टीप्लाई इनका मल्टीप्लाई इनका इनका और इनका है ना तो पंद्रह का तीन गुना कितना हो जाएगा पैंतालीस फाइव सिक्सा कितना हो जाएगा थर्टी फाइव और एक्स इसको अभी आप रहने दो है ना ये क्या है फाइव एक्स इसको आप अभी रहने दो दस और चार कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा चालीस 45 का दुगना कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा नब्बे और प्लस इसके साथ क्या है फाइव एक्स है, है ना? ये आ गया अब इनको आप अगर प्लस करने जाओगे तो इनका टोटल कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 70 और 90 हो गया कितना आपका 160 160 में अगर आपने 45 जोड़ दिया तो ये आएगा आपका 205 जीरो प्लस फाइव और इसको आप डिवाइड करोगे आपको माध्य ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज इलेवन है ना इसको डिवाइड इन सबसे करोगे तो और चार दस तीन तेरह और दो पंद्रह और प्लस एक्स तो ये आएगा फिफ्टीन प्लस एक्स और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इलेवन पॉइंट फाइव आपको समझ में आया इसके आगे हम क्या कर सकते हैं देर आर टू ऑप्शन दो चीजें हम कर सकते हैं क्या होंगी वो दोनों चीजें मैं आपको अभी समझा रहा हूं ठीक है समझ में आया जो लेट आए हैं आप इस वीडियो को या तो पीछे कर सकते हो या फिर अगर समझ में आ रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो है ना 15 और 3 का मल्टीप्लाई 5 और 6, 5 और एक्स 10 और 4, 45 फाइव और टू इनको आपने प्लस करा आया आपका 205 जीरो फाइव प्लस फाइव एक्स इनका टोटल करा तो इनका टोटल आएगा 15 प्लस एक्स और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका माध्य, मीन कितना आना है वो आना है 11.5 पॉइंट फाइव नाउ देर आर टू ऑप्शन दो तरीके यहां पे पॉसिबल है पहला तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई आप 11.5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में बारी बारी से करिए जैसे आपके पास है 11.5 जीरो मल्टीप्लाई आप फिफ्टीन में करोगे और इसका मल्टीप्लाई आप एक्स में करोगे जैसे पहले एक्स में कर लेते हैं तो इलेवन पॉइंट फाइव एक्स हो जाएगा अब आपको फिफ्टीन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिफ्टीन फाइव सेवनटी फाइव का कैरी हो गया सेवन फिफ्टीन इंटू वन प्लस सेवन हो जाएगा ट्वेंटी टू का कैरी हो जाएगा टू 15 इंटू वन प्लस टू हो जाएगा 172.5 क्लियर है बात इसमें से इसको आप माइनस करोगे इसमें से यह माइनस होगा 11.5 में से यह जाएगा तो यह 6.5x आएगा यह अगर आपका इधर गया तो यह कितना हो जाना चाहिए यह हो जाना चाहिए 30 यह आएगा आपका 32.5 205 में से यह माइनस होगा और ध्यान से देखो तो यह आपको फाइव मिल जाएगा तो इसका मतलब यहां एक्स की वैल्यू क्या है एक्स की वैल्यू फाइव है शायद आप प्रश्न की भावनाओं को समझ पाए होंगे है ना एक बात हो गई दूसरी बात मैंने आपसे क्या कही कि पहला तरीका तो एक्स है अगर एक्स से, से नहीं करना है तो फिर इसका सेकंड तरीका हो सकता है विच इज ऑप्शन जो क्या होगा ऑप्शन होगा ऑप्शन से आप इस सवाल को कर सकते हो अगर चाहो तो ठीक है ऑप्शन से कैसे करेंगे आपके मन में यह भी आ सकता है कि सर ऑप्शन से भी करके बता दो तो देखो अपन पहला करके देखते हैं. ये आपका क्या है टू है, जीरो आ जाएगी तो यह आ जाएगी आपकी ट्वेंटी तो यह आ गया आपका टू थर्टी डिवाइडेड बाय ट्वेंटी और यस इसको सॉल्व करने से इलेवन पॉइंट फाइव आ रहा है यानी फाइव आपका करेक्ट आंसर है तो दो ऑप्शन है लॉन्ग मेथड या ऑप्शन दोनों में से जिससे लगे आप कर सकते हो समय दोनों में लगेगा वो तो ये अच्छा है कि पांच पहले था ट्राई करने में लगेगा बात वही पड़ेगी आया ठीक है कोई बोल रहा है हमने तो 11.5 देखा ही नहीं था अरे निकालना होगा ना तो कोई ना कोई वैल्यू आपको मिसिंग दी रहेगी चलिए भैया आगे बढ़ते हैं यह हमारा कौन सा टाइप है यह हमारा है टाइप नंबर थ्री अब देखो यहां पे इंटरवल्स आपको यानी वर्ग अंतराल दिया हुआ है और अब कैसे निकालेंगे माध्य यह हम आपको सिखाएंगे टाइप नंबर थ्री में फिर इसके बाद आएगा टाइप नंबर फोर फिर माध्य खत्म उसके बाद माध्यिका मीडियम को उसके बाद हम सीखेंगे ओके वेरी गुड पूरा कोर्स चाहिए तो आप विनर्स की ऐप पर ले सकते हो हर चीज के कोर्सेज हैं बहुत ही कम फीस में देखिए अब यहां पे आप एक बात समझिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि ए और एक्स का मल्टीप्लाई होना यहां पे एक्स आपके पास है ही नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है यहां लिख देता हूं ये तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई एक्स कैसे निकालोगे उस चीज को समझना एक्स जो होगा जब इस प्रकार के इंटरवल्स दिए रहे अंतराल में दिया रहे तो आपको मिड वैल्यू सिलेक्ट करनी है दस और छह के बीच में क्या आता है आठ दस और चौदह के बीच में क्या आता है बारह चौदह और अठारह के मिड में क्या आता है 16. 18 और और के के बीच में क्या आता है? 20. 22 और 26 के बीच में में क्या क्या आता आता है है पता चल गया आपको एक्स ठीक है मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर कराता हूं अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक्स दिया है तो हमें एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करना है जो कि हमने इसके पहले भी किया लेकिन अगर कभी आपको इस प्रकार के इंटरवल्स में दे दें इस प्रकार के वर्ग अंतराल दे दें तो जस्ट मिड नंबर पिक कर लो बीचो बीच वाला नंबर पिक कर लो जिसको यह समझ नहीं आता है कि बीच में कैसे नंबर पता लगाएं तो इनको जोड़ के आधा कर लो दस और छह सोलह का आधा कितना आठ वो देखो आठ लिखा है है ना इनको जोड़ लो टेन प्लस फोर्टीन हो गया ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर का हाफ देखो ट्वेल्व लिखा है 14 और 18 का आ जाएगा 32, 32 का हाफ देखो 16 लिखा है तो या तो ऐसे समझ लो या दिमाग थोड़ा सा लगा लो कि 18 और 22 के बीच में क्या आएगा 20 आएगा क्लियर है अब आपको कुछ नहीं करना है आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड तो फ्रीक्वेंसी का ही करते हैं तो सिग्मा f और x पता चल गए हैं उसको f से डिवाइड करोगे और आंसर दोगे कर करके बताओ भैया आठ और पांच कितना हो गया चालीस ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व कितना हो गया वन फोर्टी फोर सेवन और सिक्सटीन कितना हो गया हंड्रेड एंड ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव जा हंड्रेड और ट्वेंटी फोर इंटू वन कितना हो गया ट्वेंटी फोर यह आ गया और इसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो तो ये हो गया चौबीस और छह तीस टोटल थर्टी से डिवाइड करना है इनका टोटल करो फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आ रहा है थर्टी आ रहा है डिवाइड करो और आंसर बता दो बहुत अच्छी बात आंसर्स कई लोग के आ भी गए हैं आ गई समझ में हाँ जी आप पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लोगे ना तो आप बोलोगे सर बहुत गलत बात है आपने पहले क्यों नहीं पढ़ाया इतना इजी है कुछ भी नहीं लगेगा आपको ऐसा टेंशन चलो इनका टोटल करें देखो तीन सौ तो ये हो गया है ना और चार दो छ चार दो छ सात और चार यानी कितना आ रहा है फोर ट्वेंटी आ रहा है क्या इनका टोटल चार बीस आ रहा है क्या एक बार बताओ फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी चार बीस करेक्ट हो गया जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो गया तीन से डिवाइड करा तीन से एक बार तीन से चार बार सो योर आंसर इज फोर्टीन वन फोर फोर्टीन इज द राइट आंसर चौदह बिल्कुल सही जवाब आपके प्रश्न का हो जाएगा बताओ एनी दिक्कत किसी प्रकार की प्रॉब्लम बहुत बढ़िया कोई दिक्कत है एक और सवाल में दे रहा हूं जल्दी से करके बता देना है ना एक्स अपन लोग यही लिख लेंगे ये सब क्या है ये फ्रीक्वेंसी है एक्स निकालो और आप लोग आंसर बता दो अब है ना अब शायद मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग खुद से आंसर दे सकते हो फटाफट बताओ एक्स क्या आएगा नो दिक्कत भैया दस और जीरो के बीच में क्या आता है पांच दस और बीस के बीच में क्या आता है पंद्रह इनके बीच में क्या आता है पच्चीस इनके बीच में क्या आता है पैंतीस इनके बीच में क्या आता है पैंतालीस ये हो गया इनका गुणा कर दिया तो फोर्टी फाइव आ गया इनका गुणा कर दिया तो वन जीरो फाइव आ गया इनका गुणा कर दिया सेवेंटी फाइव आ गया इनका गुणा कर दिया वन फोर्टी आ गया इनका गुणा कर दिया नाइन्टी आ गया है ना और टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन प्लस थ्री नाइनटीन प्लस फोर ट्वेंटी थ्री प्लस टू ट्वेंटी फाइव तो इनका टोटल ट्वेंटी फाइव आ गया इनका टोटल करो और आंसर बता दो सर फुल स्क्रीन कर रहे हैं तो बगल में कमेंट आ रहे हैं बगल के ऊपर देखो क्रॉस बना होगा उससे कमेंट बंद कर सकते हो सब कुछ हमें ही सिखाना पड़ेगा तुम्हें हम्म <laughs> बहुत बढ़िया क्लियर सबका टोटल क्या आ रहा है भैया पांच और पांच दस और पांच पंद्रह का पांच है ना कैरी कितना हो गया आपका वन फिर हो गया आपका दस और आठ सात पंद्रह फिर से हो गया पांच और ये हो गया चार फोर फिफ्टी फाइव पच्चीस से डिवाइड करोगे एक बार जाएगा बचेगा टू जीरो फाइव पच्चीस से आठ बार पच्चीस से दो बार एटीन पॉइंट टू अट्ठारह दशमलव दो आपका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए सी इज दंसर सी आंसर आ जाएगा बताओ आया आंसर सभी का वेरी गुड मजा आ रहा है कैसा लग रहा है एक बार जल्दी से बताओ आनंद का अनुभव प्राप्त हो रहा है इजी लग रहा है ठीक है सभी तेजस्वी हैं देखो पंद्रह पच्चीस के बीच में बीस पच्चीस और पैंतीस के बीच में तीस इनके बीच में चालीस इनके बीच में पचास इनके बीच में साठ और इनके बीच में सत्तर अब आगे ये वाला फिर से आपका होमवर्क रहेगा इसको आप इतमान से आराम से कर लेना बीस और पंद्रह का मल्टीप्लाई थर्टी इलेवन का मल्टीप्लाई इनका इनका सबका मल्टीप्लाई करना और टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना बन जाएगा दे दिया जाए होमवर्क में कमेंट करके बताना पहले पूरी क्लास अटेंड कर लो सॉल्व करना और कमेंट करके बताना आज के दोनों क्वेश्चंस कि सर क्वेश्चन नंबर एक कौन सा क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में फाइव कमेंट करके बताना है कि सर क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर ये है सर क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर यह है है ना तब पता चलेगा कि आपने सीरियसली इस क्लास को लिया है अगला कल्पित माध्य अच्छा ये आ गया इसको हम कहेंगे टाइप नंबर फोर बस ये चार टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसका ये चौथा टाइप है और इस टाइप का नाम है कल्पित माध्य अरिथमेटिक मीन या आप इसको बोल सकते हो एज्यूम्ड मीन मेथड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड और हिंदी में इसका नाम क्या रखा गया है कल्पित माध्य अब आपको हम इसमें बताते हैं क्या करना है कल्पित माध्य विधि है ना कल्पित माध्य विधि से प्रश्न आता है कि माध्य निकाल के बताओ तो क्या करोगे हम्म अच्छा लग रहा है हाँ चलो भैया समझे देखो यहां पे हमें क्या करना पड़ता है अगर कल्पित माध्य नहीं लिखा आता एज्यूम्ड मीन मेथड नहीं लिखा आता तो हम बोलते हैं यहां हंड्रेड है यहां पे आपका भैया हंड्रेड आ गया यहां पे आपका टू हंड्रेड आ गया यहां पे आपका थ्री हंड्रेड आ गया यहां पे आपका फोर हंड्रेड आ गया यहां पे आपका फाइव हंड्रेड आ गया ये क्या है ये एक्स है ठीक है सुनना आप डिफरेंस किस चीज का है मैं आपको समझा रहा हूं ध्यान से समझना ये आपने क्या निकाल लिया x और ये सारे क्या हैं ये सारे f हैं है ना अब आपके पास दो तरीके होते हैं इसको निकालने के या तो पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर दो या देखो बीचो बीच क्या आ रहा है किसी से भी कर सकते हो पहले और आप इसके अलावा कोई और नंबर भी ले सकते हो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम नॉर्मल मेथड से चलें फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर दें या आप देखें कि बीचों बीच में क्या आ रहा है लगभग वैल्यू सेम आनी है तो आपने देखा कि यहां पे हमने एज्यूम करा माना एज्यूमिंग दैट यहां पे मीन कितना है थ्री हंड्रेड है कितना मीन है थ्री हंड्रेड है अब क्या करना पड़ेगा देखो आपने मीन को मान लिया थ्री तो 300 में से 100 गया यहां पे आ जाएगा 200. थ्री हंड्रेड में से टू हंड्रेड गया तो यहां पे आ जाएगा हंड्रेड थ्री हंड्रेड से थ्री हंड्रेड गया जीरो थ्री हंड्रेड से फोर हंड्रेड गया तो प्लस का हंड्रेड और फाइव हंड्रेड आया तो प्लस का टू हंड्रेड समझ में आया ये आपका एक्चुअल में एक्स कहलाएगा जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस समझो अगर एज्यूम मेथड नहीं बोलते तो आप बस इनका मल्टीप्लाई करते और जैसा पहले कर रहे थे वैसा ही करना पड़ता लेकिन क्या बोल रहे हैं अगर ये शब्द आएगा ना क्वेश्चन में तभी हम ये करेंगे जो मैं आपको अभी करके बता रहा हूं इंग्लिश में एज्यूम्ड मीन मेथड। आपको कोई मीन मानना है है ना कोई माध्य आपको मानना है मीन आपको एज्यूम करना है तो हम एज्यूम सिंपल करते हैं फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के बहुत तरीके निकालने के हमने थ्री ले लिया राइट हंड्रेड में से हंड्रेड गया टू हंड्रेड टेन टू हंड्रेड गया तो माइनस प्लस और ये अब इनका मल्टीप्लाई करोगे ठीक है इनका मल्टीप्लाई करो तो सिक्सटीन का टू हंड्रेड में मल्टीप्लाई करोगे माइनस का थर्टी टू हंड्रेड टेन का हंड्रेड में मल्टीप्लाई करोगे माइनस का थाउजेंड ट्वेंटी टू का जीरो में करोगे जीरो फिफ्टीन का हंड्रेड में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का फिफ्टीन हंड्रेड और ट्वेल्व का टू हंड्रेड में मल्टीप्लाई करोगे प्लस का ट्वेंटी फोर हंड्रेड जरा इसका रिजल्ट निकाल के बताओ देखो इनको जोड़ोगे तो ये आ रहा है आपका थर्टी नाइन हंड्रेड इनको जोड़ोगे तो ये आपका आ रहा है फोर्टी टू हंड्रेड ठीक है यानी माइनस का थ्री हंड्रेड रिजल्ट आपके हाथ में आ रहा है अब टोटल फ्रीक्वेंसी का कर लो फ्रिक्वेंसी का टोटल कितना है सिक्स प्लस टू एट प्लस टेन प्लस फाइव कैरी वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इनका टोटल सेवेंटी फाइव आ रहा है अब आखिरी चीज देखिए क्या करना पड़ता है आपने जो एज्यूम किया वो प्लस ये क्या आया एंड रिजल्ट आया माइनस का 300 और उसमें टोटल फ्रीक्वेंसी जो कितनी दी हुई है 75 उससे आप डिवाइड कर दोगे समझ में आया देखो जो आपने एज्यूम करा उसको यहां लिख दिया एंड रिजल्ट क्या आया माइनस का 300 ये सब में डिवाइड होगा जितनी फ्रीक्वेंसी उसमें डिवाइड होगा दिस so इज 300 300 को इससे डिवाइड करोगे फोर आएगा 300 में से अगर फोर गया 296 नाइन सिक्स इज दिस योर आंसर टू बताओ आया समझ में कोई बोल रहा है सर इस चैप्टर में मजा नहीं आ रहा यह चीज तुम पेपर बनाने वाले को बोलना ठीक है कि सर मुझे मजा नहीं आता है मुझसे यह मत पूछना ठीक है हा स्टेटिस्टिक्स का मतलब ही होता है रिसर्च अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा मतलब आपको रिसर्च करना पड़ता है इनकी गहराई में जाना पड़ता है पूरा उलट पुलट करना पड़ता है इनमें माथा देना पड़ता है सीधी सीधी बात है डेटा में माथा देना अपनी भाषा में कहें तो स्टेटिस्टिक्स है ना आंकड़ों के साथ आपको खेलना है तो इसे ही बोला जाता है सांख्यिकी ठीक है हां पेपर बनाने वाले से बोल देना पेपर बनाने वाला अगर तुम्हारा जी फूफा जी जीजा जी ताऊ और कोई रिश्तेदार लगेगा तो वो तुम्हारे से नहीं पूछेगा और अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है तो चुपचाप पढ़ो क्योंकि पेपर में तो आएगा ठीक है देखो सिंपल सी बात है एक बार पूरा पढ़ो चाहे जैसे पढ़ो एक बार रिवीजन करना और जब आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे ना तब आप बोलोगे सर सांख्यिकी में मजा आता है हमें मजा कब नहीं आता है जब चीजें हम पहली बार पढ़ते हैं और जब हमसे कोई चीज नहीं बनती है अगर कोई चैप्टर पढ़ लिया जाए और उसके क्वेश्चन बनने लगे तो मजा आ जाता है है ना सीधा सा कारण है हाँ, ठीक है चलो बहुत बढ़िया बिल्कुल पढ़ा देंगे बहुत तो अच्छे से ऊपर <laughs> वाले को माइनस क्यों करा क्योंकि बेसिकली आप क्या कर रहे हो हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड टू हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड आप सब में से इसको माइनस कर रहे हो है ना कैसे भी आप उसको कर लोगे वही आएगा तो ये माइनस का माइनस हो गया आप बेसिकली नंबर में से मीडियम मीन uh, को माइनस करते हो हंड्रेड माइनस दिस टू हंड्रेड माइनस दिस फोर हंड्रेड माइनस फाइव हंड्रेड माइनस तो ऊपर वाले माइनस नीचे वाले प्लस <coughs> जब ओखले में सिर दे दिया ओखल में सिर दे दिया तो मुसल से क्यों डरना बहुत अद्भुत ठीक है डन है तीन सौ कैसे बचा आप इन दोनों को करोगे तो माइनस का फोर्टी टू हंड्रेड ठीक है माइनस का फोर्टी टू हंड्रेड इन दोनों को करोगे तो माइनस प्लस का थर्टी नाइन हंड्रेड तो बड़ी संख्या माइनस की है तो रिजल्ट भी माइनस में आएगा और जो भी आए प्लस आए देखो अगर यहां माइनस आएगा तो ये माइनस होगा यहां प्लस आता तो यहां प्लस होता लेकिन जो भी है उसमें डिवाइड तो वो होगा ओके okay? मजा आया हाँ चलो आगे बढ़े अच्छा आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं जल्दी से बाकी इसकी ज्यादा जानकारी तो इस क्लास के एंड में दूंगा आपको पता है विनर्स की ऐप पे धमाकेदार दिवाली का ऑफर चल रहा है और अगर ऐसे फायदे फायदेमंद ऑफर आए तो फायदा उठा लिया करो है ना मात्र नौ में आपको फाउंडेशन बैचेस मिल रहे हैं एस बैंक व्यापम के अगर आपको मेरा मैथ्स का कोर्स लेना है ओनली सिक्स नाइनटी नाइन सबकी वैलिडिटी वन ईयर की है तो बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है देखो अगर व्यापम फाउंडेशन लेते हो तो इतनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए केवल एक कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो फीस इसकी मात्र नौ सौ निन्यानवे बैंक की तैयारी है। है करना है तो इतनी सारी परीक्षाओं के लिए ओनली सिंगल बैच फीस इसकी भी ट्रिपल लाइन है।, है ना अगर आपको एसएससी की तैयारी करना है तो इतनी परीक्षाओं की तैयारी एक कोर्स से एसएससी एस सी फाउंडेशन फीसकी ट्रिपल लाइन है और ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे अगर आपको मुझसे मैथ्स पढ़ना है तो सारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इकलौता मैथ्स का बैच खरीदो मैथ्स फाउंडेशन सबका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा इतने चैप्टर में पढ़ा रहा हूं

है ना एसएससी में क्या क्या पढ़ाया जाएगा फीस एक विषय कितने का पढ़ रहा है एक दिन का खर्चा कितना आ रहा है सब कुछ आपको दिया हुआ है तो इसको आप देख लेना बाकी बहुत सारे कोर्सेज हैं लगभग पचास के आसपास विनर्स की ऐप पर कोर्सेज है और आपको अगर मेरी मैथ्स की बुक लेनी है तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी पंचायती राज की बुक आपको मिल जाएगी विनर्स के ऑफिस से लोगे तो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा लेकिन ध्यान रखना लास्ट डेट 21 अक्टूबर है 21 अक्टूबर इज द लास्ट डेट और अगर आपको इंदौर आके ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन लेना है तो भी आप ले सकते हो नए बेचे चालू हो रहे हैं अभी ऑफलाइन में सब चीजों में अभी आपको दीपावली पे ऑफर मिल रहा है इसी के साथ प्रचार प्रसार को खत्म करते हैं और अगली हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी में माध्यिका यानी मीडियन और ये माध्य से भी आसान है लेकिन इसमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है है ना मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कुछ तो ये रूल्स होते हैं ना ये तो अपनी जगह है इनका फायदा भी है लेकिन इसकी कई बार जरूरत नहीं भी पड़ती है अगर आप थोड़ा सा इसका लॉजिक समझ लोगे तो का सिंपल सा मतलब होता है जो मध्य में आए है ना जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं फिर आप इसको समझना मैंने कहा दो तीन नौ पंद्रह एक सौ एक की माध्यिका बताओ तो आप बोलोगे जो बीच में आए कोई मतलब नहीं बड़ा छोटा कुछ नहीं जो बीच में आए बीच में कौन है नौ ये माध्यिका हो गई औसत का अलग काम चलता है माध्य अलग चीज था वहां औसत निकालना पड़ता था माध्यिका मीडियन का सिंपल सा मतलब है जो मध्य में आए बात खत्म है मैंने कहा तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस और सत्ताईस की माध्यिका बताइए मीडियन बताइए कौन मध्य में आ रहा है भैया पच्चीस ये आपका आंसर है लेकिन आपके मन में फिर एक डाउट आ सकता है कि सर अगर अट्ठाइस आ जाए तो क्या करेंगे ट्वेंटी एट आ गया तो क्या करोगे अब बताओ ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना है इसका मतलब यह हुआ कि तीन संख्याएं इधर है तीन संख्याएं इधर है तो आपका आंसर इन दोनों के भी बीच में आएगा तो 25 और 26 के भी बीच में क्या आता है तो आप या तो 25 और 26 को जोड़ के आधा कर दो या उसको आशा, आसान भाषा में 25.5 बोल दो यह माध्यिका आ गई मैं अभी आपको दो तीन सवाल कराऊंगा चिंता बिल्कुल मत करना कोई दम नहीं है इसमें फिलहाल इतना समझ लो जो बीचो बीच आए लेकिन यह ध्यान रखना कि इनको हमेशा आरोही क्रम में अरेंज करना पड़ता है पहले आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर हमेशा आरोही क्रम में व्यवस्थित करना फिर आंसर देना है ना फिर जो मध्य में आए वो तो आंसर ये कुछ सूत्र भी हैं कि अगर एन एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या संख्याएं कितनी हैं, अगर विषम संख्याएं हैं तो उसमें एक जोड़ के आधा कर दो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं फॉर्मूले भी सीख लो काम के हैं मैंने कहा ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव यहां पर एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं पांच है, है. पदों की संख्या कितनी है विषम है तो अगर पांच पद आए हैं या कोई भी विषम संख्या में पद आए हैं तो हमेशा एक जोड़ के आधा करते हैं फॉर्मूला क्या होता है एन प्लस वन का आधा कितने पद हैं? पांच तो एक जोड़ो छे छे का आधा कितना तीन यानी थर्ड थर्ड टर्म हिंदी में कहें तो तीसरा पद ठीक है तीसरा जो आपका पद आएगा वो आंसर आएगा है ना तो तीसरा पद कौन सा है वो है तेईस को समझ में आ रहा है, है ना अब अगर यही चीज मान लीजिए ऐसी हो जाए कि मैं आपसे कहूं कि ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स अब यहां पे पदों की संख्या क्या है सम संख्या है एक इवन नंबर है तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा आपको बीचों बीच का निकालना पड़ेगा और एक उसके बाद का लेना पड़ेगा देखो फॉर्मूला दिखा देता हूं मैं पहले आप एन बाई टू लोगे और एन बाई टू प्लस वन लोगे और आधा करोगे क्या मतलब हुआ एन बाई टू यानी छे का आधा एक ये पद लेना है और एक छे में आप एक और जोड़ोगे ठीक है तो छे में अगर आपने एक जोड़ दिया ठीक है सॉरी छे के आधे में एक जोड़ दिया तो छ का आधा करके आप अगर एक जोड़ोगे तो वो पद आएंगे छे का आधा क्या हो गया तीसरा पद थर्ड टर्म छे का आधा प्लस एक क्या हो गया चौथा टर्म चौथा पद और इन दोनों को जोड़ के क्या करोगे आधा यानी तेईस और चौबीस को जोड़ के आधा करोगे तो तेईस प्लस चौबीस का आधा ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव तेईस दशमलव पांच ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक है देखो बात बड़ी सिंपल है छोटी सी बात मैं आपको समझा रहा हूं आप अगर इन फॉर्मूले ये वैसे आपको ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी नॉर्मल प्रश्नों में तो नहीं लेकिन एक टाइप होता है जिसमें ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है तब आपको यह सब याद होने चाहिए है ना तो सिंपल सा आप लॉजिक समझे उसका बीचो बीच का नंबर बीचो बीच का नंबर क्या है थ्री है है ना मतलब ट्वेंटी थ्री है या फिर और कभी भी देखो अगर आपको विषम संख्या मिल जाए तो विषम का आधा तो करते बनेगा नहीं तो एक जोड़ के आधा कर देना है ना भाई पांच पद है आधा नहीं करते बन रहा एक जोड़ के आधा कर दो सिंपल सी बात है अगर आधा करते बन रहा है तो कर दो और एक उसके बाद का पद ले लो आधा हो गया तीसरा तीसरे के बाद चौथा इन दोनों के बीच में ही कुछ आएगा और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझो इस सवाल को देखो सबसे पहला काम क्या करते हैं आप हमेशा आरोही क्रम इंग्लिश में बोलते हैं एसेंडिंग ऑर्डर और, और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो आप सारी संख्याओं को सबसे पहले एसेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए और अगर कर लिया तो आंसर तो खुद ब खुद आ जाएगा आंसर में कहीं दिक्कत नहीं आनी है हाँ धन सिंह क्या लिख रहे हो भाई हमें समझ ही नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो जिसको माध्यिका समझ में नहीं आया चिंता ना करें हम आपको अभी समझा रहे हैं हां वेरी गुड देखो सबसे छोटा नंबर क्या है सबसे छोटा नंबर है वन वन के बाद टू आया है देखो टू बार तो इसको लिख दो दो आया है दो बार और आगे बढ़ो तीन है क्या भैया नहीं है चार है क्या हाँ है चार आ गया पांच है क्या हाँ छह है क्या नहीं है देखो सात दो बार है तो सात को दो बार लिख देते हैं है ना फिर इसके बाद देखो आठ नहीं है नौ है नौ आ गया फिर दस है ग्यारह नहीं है बारह है और बारह के बाद क्या है चौदह है हो गए सारे कुछ बचा तो नहीं अब आपने जब आरोही क्रम में अरेंज करा तो अब बीच में क्या आ रहा है वो बताना है सेंटर में अब क्या आ रहा है वो बताना है तो देखो पहला तरीका लॉजिक एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह टोटल कितने पद आ रहे हैं ग्यारह तो आप सोचोगे सर अगर पांच इधर हो और अगर पांच इधर हो तो बीच में यही बचेगा वन टू थ्री फोर फाइव पांच पद इधर पांच पद इधर तो बीच में क्या आ रहा है सात ये आपका आंसर है नहीं ऐसे करना है क्योंकि एन एक विषम संख्या है एक ऑड नंबर है तो इसका सूत्र होता है एन प्लस वन का आधा तो ग्यारह प्लस एक का आधा यानी सिक्स टर्म छठवा पद आंसर आएगा एक दो तीन चार पांच छ यह आपका आंसर आ गया यह मेथड और लॉजिक में आपको मैंने डिफरेंस समझा दिया बताइए बात समझ में आ रही है सब कुछ आनंद मंगल समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ एक सवाल और दूं सिंपल बात है आरोही क्रम में अरेंज करो और बीचो बीच क्या रहा है उस वो आंसर दे दो बात खत्म है अगला सवाल आरोही क्रम में अरेंज करो भैया Ascending ऑर्डर आरोही क्रम arrange it. इट hmm. ओके okay. आ गया समझ में बहुत बढ़िया आ जाओ सबसे छोटा नंबर क्या है सबसे छोटा नंबर थर्टी थर्टी के बाद थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री क्लियर फिर थर्टी फोर नहीं है थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन और उसके बाद क्या है फोर्टी है ये आ गया अब देखो वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव देखो ये तीन अलग है ये तीन अलग है इस बार बीच में ये दो फस रहे हैं तो आंसर इनके भी बीच में आएगा तो 33 और 35 के बीच में क्या आता है 34 आता है क्या ये आपका आंसर है ना समझ में आए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ पदों की संख्या कितनी है आठ ये कौन सी संख्या है सम संख्या है इवन नंबर है तो फॉर्मूला क्या होता है एन बाई टू और एन बाई टू प्लस वन आठ का आधा चार चौथा पद चार के बाद पांचवा पद इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं चौथा पद थर्टी थ्री पांचवा पद थर्टी फाइव को आधा करोगे थर्टी फोर क्या आंसर आगे दोनों बातें मैंने आपको समझा दी शायद आप भावनाएं समझ गए होंगे बोलो भैया आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई या नहीं हुई इसके बाद आपका आनंद इतना सुखमय नहीं होने वाला है अभी इसका अगला जो टाइप है वो आपके जीवन में तबाही मचाने वाला है ये टाइप मैंने लिखना भूल गया था यहां ये आपका टाइप नंबर वन है ठीक है टाइप वन है ये अभी टाइप टू आएगा ठीक है चलो आ जाओ इसकी माध्यिका बताओ ठीक है सबसे छोटा नंबर कौन सा है भैया सबसे छोटा है सोलह सोलह गया उसके बाद सत्रह कितनी बार सत्रह दो बार इसके बाद अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस तेईस भी नहीं है ये है तेईस ट्वेंटी थ्री इसके बाद चौबीस पच्चीस छब्बीस के बाद सत्ताईस के बाद अट्ठाईस ट्वेंटी एट इसके बाद उनतीस तीस इकतीस उनतीस तीस इकतीस इकतीस दो बार और लास्ट में चौतीस ये मैंने आरोही क्रम में अरेंज कर दिए हैं आंसर अब आप बताएंगे बता दो भैया हाँ <laughs> बहुत सुंदर लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो तुम लोग है ना हम्म यूट्यूब पे मैथ्स की रेगुलर क्लासेस लाइए ले तो आए पर तुमसे पढ़ा नहीं जाता यार तुम लोग ना जरा त्योहार आया कुछ आया तुम लोग पिघल जाते हो फिर क्या होता है अपने आप पे बड़ा ही दुखी महसूस होता है जब आप लोग के लिए मेहनत करो और आप लोग तो त्योहार मनाने में लगे हो कौन पढ़ाएगा बोलते हैं ना जिसको स्वयं की चिंता नहीं उसकी चिंता कोई नहीं कर सकता तो आपको खुद ही नहीं जब खुद की चिंता है तो कोई तुम्हारी मदद क्यों करे तुम लोग मदद करने वाले को तो बेवकूफ सिद्ध कर देते हो है ना बेचारा जिसका भाई मेरा काम मेरा काम मेरा जो फ्यूचर है या मेरा जो प्रेजेंट है जो करियर है वो सेटल है वो पता चल रहा है मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ने वाले मस्ती मार रहे हैं पढ़ने वाले गरबा खेल रहे हैं पढ़ने वाले दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं क्या करेंगे ऐसे लोगों का है ना तो पहले तुम त्योहार मना लो उसके बाद मन होगा तो अपन रेगुलर क्लास के बारे में सोचेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह कितने पद हैं भैया बारह तो बारह का आधा छ छ के बाद सात छठवा पद और सातवा पद एक दो तीन चार पांच छ और सात इन दोनों के बीच में कहीं आंसर आएगा हाँ या ना 27 और 28 के बीच में क्या आता है 27.5 दशमलव 27 पांच ट्वेंटी इनको जोड़ के आधा कर लेना आंसर आएगा 27.5 ठीक है बताओ आया समझ में आसान था भैया ये वाला अब आ जाओ बढ़िया अगला सवाल आरोही क्रम में व्यवस्थित एक सेट दिया हुआ है एक आपको दिया चलो लिखते नहीं है ये बहुत अच्छे से यहां पे इन्होंने पहले ही लिख दिया है पंद्रह पढ़ो आप सवाल बहुत प्यारा है पंद्रह सोलह अठारह बाईस एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री छब्बीस सत्ताईस और तीस है ना इनकी माध्यिका पढ़ लेना ध्यान से माध्यिका चौबीस दी हुई है मीडियन ट्वेंटी फोर एक्स का मान बताना है सर मैंने एक कोर्स लिया है दूसरा ले सकता हूं क्या बिल्कुल ले सकते हो क्या दिक्कत है सर अब हम डेली आएंगे देखते हैं भैया ये तो भविष्य बताएगा समय बताएगा मैं फिलहाल अभी डेली आ रहा हूं है ना कल भी आऊंगा मैं तो कल रात को फिर आठ बजे आऊंगा और कल अगर चैप्टर खत्म नहीं हुआ तो परसों फिर आठ बजे आऊंगा तुम तो ये दो दिन पढ़ के मुझे दिखा देना इन दो दिन में रेगुलर रह के दिखा देना तो फिर आगे कुछ सोच सकते हैं ठीक है हा <laughs> देखो मुझे एक बात बताओ कितने पद हैं पहले पद काउंट कर लिया करो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ जब पदों की संख्या नौ होती है तो आप नौ का मतलब क्या है चार चार और एक यानी पांचवा पद या फिर इसमें एक जोड़ के आधा कर दो तो भी फिफ्थ टर्म आएगा पांचवा पद इसकी माध्यिका होना चाहिए यहां पे पांचवा पद क्या है एक दो तीन चार पांच ये पांचवा पद है।, है ना ये वाला पांचवा पद है तो इनकी माध्यिका एक्स प्लस टू है और ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेन्ज है पहले से ये बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हैं जबकि रियल में माध्यिका कितनी है ट्वेंटी तो एक्स बराबर 22, तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी दिस इज 22, वो होगी 22, आया हम्म 22 इसका उत्तर आएगा बिल्कुल सही उत्तर दिया है तुमने ओके आनंद मंगल मजा आया आगे बढ़ो दिए गए आंकड़ों के माध्य। देखो ये बढ़िया सवाल है इनका आपको माध्य और माध्यिका, आपको मीन भी बताना है और आपको मीडियम भी बताना है इन आंकड़ों का है ना इनका तो माध्य यानी औसत सबको जोड़ो भाग दो माध्यिका बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा कौन है पांच आप इनको जोड़ के आधा करो तब तक मैं अरेंज कर देता हूं पांच के बाद क्या आएगा छ पांच हो गया छ कितनी छे तो छे छे। बार है छह दो बार है तो छ और छ इसके बाद सात और आठ दो बार है तो एक बार सात और दो बार आठ इसके बाद बारह तेरह और सोलह बारह तेरह और सोलह गए चलो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ नौ आया मतलब दस का आधा पांचवा पद पांचवा पद यानी क्या हो जाएगा एक दो तीन चार पांच तो देखो अपन एक तो निकालेंगे माध्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन और इसका संकेत है एक्स के ऊपर बार और एक निकालना है माध्यिका यानी मीडियन जो बीचों बीच आए है ना जी तो यहां पे माध्यिका कितनी आ रही है माध्यिका तो आ रही है आठ माध्यिका बताना जरा मुझे सॉरी माध्य बताओ सबका टोटल करो और भाग दो पद कितने हैं नौ वेरी गुड सबका टोटल अगर आप करने जाओगे तो ये आ जाएगा कितना बीस और ये आ गया आपका चालीस है ना और ये आ गया आपका साठ और ये आ गया आपका 81 वन सबका टोटल एट्टी वन आ रहा है और पद है नौ तो इनका माध्य औसत आ रहा है नौ एवरेज आ रहा है नौ और माध्यिका क्या है आठ तो नौ में से आठ घटाना है नाइन में से एट माइनस करना है अंतर आएगा एक अंतर ही तो पूछा है डिफरेंस ही तो पूछा है माध्य यानी सबका योग और नौ का भाग दिया सो आंसर इज नाइन और माध्य का क्या हो जाएगा जो बीचो बीच आए बीचो बीच में क्या आ रहा है आठ दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोनों का अंतर आ जाएगा एक है ना तो ये आप ध्यान रखिए एक ये टाइप होता है जिसमें आपको चीजें मिक्स कर दी जाती है है ना ये टाइप नंबर टू है क्या अपना जिसमें चीजें आपको मिक्स करके दे दी जाती है टू है या थ्री है अभी आपने बहुलक नहीं पढ़ा है बहुलक पढ़ने के बाद ना और मिक्स प्रश्न आएंगे है ना मोड पढ़ने के बाद और मिक्स प्रश्न आएंगे और मजा आएगा ठीक है चलो अब जरा अपनी दिल की धड़कने थाम लो टाइप नंबर थ्री इसको आज आप सीख कर जाओ ना मजा आए तो पैसे वापस ठीक है इसको बताने के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं जिसके बारे में हमने चर्चा जान के नहीं करी थी और वो था ये वाला फॉर्मूला माध्यिका देखो ये फॉर्मूला अच्छे से देख लो एक क्वेश्चन समझना एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बनेगा आपसे चिंता मत करना l1 l2 एल टू माइनस एल वन यहां l1 आएगा टाइपिंग एरर है L2 टू माइनस एल है ना ये वन है अपॉन में फ्रीक्वेंसी एफ एन बाई टू माइनस सी एल वन एल टू माइनस एल वन फ्रीक्वेंसी एन बाई टू माइनस सी कुछ भी समझ नहीं आएगा जब तक प्रश्न नहीं करेंगे देखो फॉर्मूला में यहां लिख देता हूं एल वन ठीक है एल टू माइनस एल वन अपॉन में फ्रीक्वेंसी और एन बाई टू माइनस सी क्लियर देख लो अच्छे से एल वन एल टू एल वन एफ एन बाई टू माइनस सी यहां प्लस होता है यहां मल्टीप्लाई होता है इसका भी ध्यान आप रखेंगे अब आपके मन में सवाल आएगा सर ये क्या है एल वन एल टू है ना ये वाला अच्छा लेकिन यहां पे अरे नहीं यहां तो यार अपने को ये दिया है ना सॉरी 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 अभी तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं ये फॉर्मूला इसमें लगता है मैं थोड़ा सा नहीं देख पाया इसमें फॉर्मूला लगेगा एक एल वन है तो एक एल टू है भाई कोई भी हो सकता है इसमें लगेगा ये तो आसान है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है देख लो आप इसको एक बार ये आसान है सॉरी एल वन एल टू वाला नहीं लगेगा एलवन एल टू इसके बाद आएगा बताता हूं मैं आपको उसके बारे में भी हां हो गया ओके देखो <laughs> देखो आपको सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले लिखना है तीन है ना फिर तीन और दो पांच पांच और चार नौ नौ और छ्रह पंद्रह और तीन अट्ठारह अठारह और पांच कितना हो गया तेईस ठीक है मैंने थोड़ा ज्यादा ड्राइंग करी है लेकिन आप समझ गए होंगे सबसे पहले तीन लिख दो तीन और दो पांच पांच और चार नौ नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन प्लस फाइव आखिरी में क्या आया आखिरी में आया ट्वेंटी थ्री जब एन ऑड हो यानी टोटल पद ऑड हो विषम हो तो एक जोड़ के आधा करते हैं क्या तो यहां आएगा ट्वेल्थ टर्म यानी यहां बात किसकी चल रही है बारवे पद की बारवा पद कहा आएगा देखो नौ के बाद दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह बारवा पद यहां कहीं पे आएगा और यहां कहीं पे आने का मतलब है कि इसकी माध्यिका क्या आएगी इलेवन आएगी ये आपका आंसर है ये थोड़ा आसान है इसके आगे वाले में दम है यस क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी वेरी गुड अभी रुको जरा ठीक है देखो आप इसको जिसको इसका लॉजिक समझ नहीं आ रहा है आप ऐसे समझो कि पांच आया है तीन बार मतलब ये ऐसा है कि पांच आया कितनी बार तीन बार फिर सात आया दो बार सात आया भैया दो बार है ना फिर नौ आया चार बार नौ 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 और नौ फिर ग्यारह आया छह बार ग्यारह 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 ये ऐसा चल रहा है, है ना तो ऐसा लिखने के बजाय हमने इसको चार्ट में लिख दिया तो हमने देखा कि टोटल पद कितने हैं टोटल पद है ट्वेंटी थ्री तेईस संख्याएं लिखी गई हैं। तो अगर तेईस होगी तो बीचो बीच क्या आएगा बारवा पद, बार क्या आएगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारहवें नंबर पे क्या आ रहा है ग्यारह तो ग्यारह आपका आंसर आएगा थोड़ा सा लॉजिक अगर आप समझे तो इस तरीके से हम इसको करते हैं क्लियर है? है ना तो आपको यह समझना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल तेईस पद है अगर तेईस बार कोई संख्याएं लिखी हैं तो बीचों बीच में आएगा बारवा पद तो बारवा कहां आएगा भाई नौ यहां हो गए तो दसवा ग्यारहवा बारवा तेरह चौदह पंद्रह यह ये सब यहां आएगा यानी क्या आएगा ग्यारहवें में इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा ये हमने आपको लॉजिक बता दिया और ये मेथड हो गई ये क्या है ये मेथड है और ये क्या है लॉजिक है करना मेथड से है लॉजिक मत लगाना ज्यादा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा ओके okay? ठीक hmm. है चलो तो फिलहाल ये है अपना टाइप नंबर फोर और इस टाइप नंबर फोर के लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा तो कल मैं आपको इसको सिखाऊंगा है ना कि इसमें क्या करते हैं पहले तो वही करना पड़ेगा पहले सात लिखोगे फिर सोलह लिखोगे फिर सत्ताईस लिखोगे वो करोगे बाकी मैं आपको कल सिखाऊंगा जो फॉर्मूला आपको बताया था ना एल वन प्लस एल टू एल वन अपॉन में फ्रीक्वेंसी और एन बाई टू माइनस सी वो इसमें लगेगा जब ऐसा इंटरवल्स वर्ग अंतराल दिया रहे तब हम यहां पे वो यूज करेंगे ठीक है जी बाकी अच्छा ईमानदारी से बताओ कि जितना आज मैंने पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया है ना सांख्यिकी जो चैप्टर है कैलकुलेटिव है और कैलकुलेटिव क्यों है क्योंकि हमने पहले इसको कभी पढ़ा नहीं है मैंने क्या बोला एक बार पूरा पढ़ो एक बार रिवीजन करना और उसके बाद आप देखना आपसे चीजें बनेंगी इसकी पीडीएफ में जस्ट शेयर करने वाला हूं टेलीग्राम पे विनर्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो सवा तीन लाख से ज्यादा लोग इस पर जुड़े हुए हैं ओरिजिनल ग्रुप है अपना इसको ज्वाइन कर लेना पीडीएफ आपको अब भी मिल जाएगी ठीक है बाकी जो लोग विनर्स के साथ सारे सब्जेक्ट्स या कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है दिवाली का धमाकेदार ऑफर चल रहा है इसमें सभी कोर्सेस सबसे कम है और मैंने पहले भी कहा है कि ये मौके बहुत कम आते हैं ऐसा नहीं कि ये मौका आपको बाद में नहीं मिलेगा लेकिन अब अगली बार दो महीने तीन महीने चार महीने लग सकते हैं तो बहुत अच्छा मौका है इतनी कम फीस में इसको लेने का तो फायदा उठाओ क्योंकि 500, 600, 700, सौ हजार रुपए आप यूं उड़ा देते हो पता भी नहीं चलता और उसमें आपको पूरे सब्जेक्ट्स वीडियो लेक्चर नोट्स मटेरियल टेस्ट सारी सुविधाएं आपको मिल रही है है ना तो अगर आप एम कांस्टेबल पटवारी ऐसी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो व्यापम फाउंडेशन ज्वाइन कर लो सिर्फ नौ में काम खत्म एस एस की सी लेवल तक की तैयारी इसमें आ जाएगी बैंक की किसी भी परीक्षा की तैयारी बैंक फाउंडेशन में आ जाएगी सबकी फीस नौ आपको अगर कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो वो आप ले सकते हो स्पोकन इंग्लिश है ओनली इंग्लिश ओनली साइंस ओनली रीजनिंग भी अवेलेबल है ओनली टू में है ना और देखो अगर व्यापम फाउंडेशन लेते हो तो इतनी परीक्षाओं की तैयारी मात्र एक कोर्स से हो जाएगी और फीस बता चुका हूं मैं नौ अगर आप बैंक फाउंडेशन लेते हो तो इतनी परीक्षाओं की तैयारी एक बैच लेने से हो जाएगी फीस नौ सौ निन्यानवे एस एस सी की इतनी परीक्षाओं की तैयारी मात्र एक बैच से हो जाएगी फीस इसकी भी नौ सौ निन्यानवे तो फाउंडेशन बैच बेस्ट है सारे विषय मिलेंगे सारी सुविधाएं उसमें मिलेंगी है ना और मैथ्स किसी भी परीक्षा का पढ़ना है तो आप मेरा मैथ्स का स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हो सारी परीक्षाओं के लिए पूरे थर्टी थ्री टॉपिक्स से एडवांस में आपको पढ़ाऊंगा

जो आपकी क्लासेस को यहां पे लेते हैं तो बहुत अच्छा मौका है फायदा उठा सकते हो व्यापम फाउंडेशन लेते हो तो ये पंद्रह विषय पढ़ाए जाएंगे पंद्रह विषय रहेंगे फीस नौ सौ निन्यानवे है लाइव बैच लोगे तो सारी क्लासेस लाइव मिलेंगी रिकॉर्डेड लोगे तो सारे विषय आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे बैंक का बैच लोगे सात विषय ये सारे फीस इतनी है और एस लोगे तो तेरह विषय फीस उसकी भी नौ कोई सा भी ले लो एम का बैच भी उपलब्ध है ओनली इक्कीस सौ रुपए ये सारे सब्जेक्ट मेंस चालू हो रहा है पंद्रह हजार उसकी फीस है और मेंस आपको पता है उसके लिए एक एक, एक लाख से डेढ़ लाख फीस ली जाती है ऑफलाइन में जिसकी फीस ओनली फिफ्टीन थाउजेंड है मात्र पंद्रह हजार बाकी फिर बहुत सारे कोर्सेज हैं सबकी फीस आप यहां पे देख सकते हो आपकी जो मर्जी है उसको अलग से भी ज्वाइन कर सकते हो लेकिन मेरा सजेशन है फाउंडेशन लोगे फायदे में रहोगे है ना और ये मैथ्स की बुक है आप ले सकते हो मेरी बुक चाहे तो पंचायती राज की बुक है इनपे भी ऑफर है इनको भी आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से बुलवा सकते हो और अगर आप इंदौर आके पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन तो व्यापम का नया फाउंडेशन बैच आ रहा है चार तारीख से एसएससी का नया बैच आ रहा है चार तारीख से आप इनको ज्वाइन कर सकते हो इंदौर आकर बहुत ही कम फीस में काफी सारे डिस्काउंट के साथ ऑफलाइन में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इतनी सारी किताबें आपको मिलती हैं

और कल स्टेटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं ओके भैया ठीक है इसको क्या हो गया ये तो बंदी हो गया चलो <coughs> ओके देखो हमारा बोर्ड जो है हैंग हो गया तो अब पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा केवल आपको मिलेंगे क्वेश्चंस है ना तो पीडीएफ में शेयर कर दूंगा उसको आप डाउनलोड कर लेना ठीक है चलो चला जाए कल वापस आठ बजे मिलते हैं सब लोग टाइम पे पधारिये सांख्यिकी की स्टेटिस्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम गुड नाइट